हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बोन्स रिएक्शन सीरीज। बोन्स रिएक्शन सीरीज मैग्मा से रिलेटेड है और इसमें जब मैग्मा का फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसी क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो मैग्मा है वो जैसे जैसे कूल होता है तो वैसे वैसे उसमें कुछ जो मिनरल हैं वो पार्शियली क्रिस्टलाइज होते जाते हैं। तो इसी से बोन्स रिएक्शन सीरीज है वो बनती है। मिनरल्स के क्रिस्टलाइजेशन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बोन्स ने आखिर किया क्या था। बोन्स ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगाया था कि मैग्मा का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो टेम्परेचर के बेसिस पे होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स क्रिस्टलाइज होते हैं और ये सारी जो प्रोसेस होती है ये बेसाल्टिक मैग्मा में पाई जाती है। जैसे जैसे मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है या ठंडा होता है उसमें सबसे पहले ओलिवीन क्रिस्टलाइज होता है और उसके बाद में कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस क्रिस्टलाइज होता है। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये सबसे पहले शुरू होता है डिसकंटिन्यूस सीरीज में। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही बेसाल्टिक मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन होता है यहाँ पर दो तरीके की रिएक्शन शुरू होती हैं। इसमें जो पहली है वो है डिसकंटिन्यूस सीरीज और दूसरी है कंटिन्यूस सीरीज। तो जो सबसे पहला मिनरल क्रिस्टलाइज होता है जैसा कि हमने अभी आपको बताया ओलिवीन डिसकंटिन्यूस सीरीज में क्रिस्टलाइज होता है। उसके बाद में कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस होता है जो कि कंटिन्यूस सीरीज का मिनरल है। और जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होता है वैसे ओलिवीन जो कि पहले ही क्रिस्टलाइज हो चुका है वो मैग्मा में उपस्थित लिक्विड के साथ में रिएक्शन करके पायरोक्सिन का फॉर्मेशन करता है। पायरोक्सिन जो कि डिसकंटिन्यूस सीरीज का मेंबर है ये फर्दर लिक्विड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस को बनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा ओलिवीन और प्लेजियोक्लेस रिमूव कर दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में जो बचा हुआ लिक्विड होगा वो सिलिका रिच होगा। और अगर यही प्रोसेस कंटिन्यूसली जो मूल बेसाल्टिक मैग्मा है उसमें अगर होती है और उसके बाद रायोलाइट क्रिस्टलाइज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। यहाँ पर डिसकंटिन्यूस सीरीज में पायरोक्सिन के बाद में हॉर्नब्लेंड और उसके बाद में बायोटाइट और इसी में डिसकंटिन्यूस सीरीज में कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस के बाद में यहाँ पर सोडियम रिच प्लेजियोक्लेस क्रिस्टलाइज होगा। और एट द एंड जब दोनों रिएक्शन आपस में आके मिलेंगी जहाँ पर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस रिएक्शन रुक जाएंगी वहाँ पर अल्कली फेल्सपार क्रिस्टलाइज होंगे और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज होता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो रॉक जितने हाई टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होती है वो वेदरिंग के अगेंस्ट उतनी ही कम रेजिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ओलिवीन की बात करें तो ओलिवीन रिएक्शन सीरीज में सबसे पहले क्रिस्टलाइज होती है लेकिन वेदरिंग के अगेंस्ट में सबसे लीस्ट रेजिस्टेंट होती है। और अगर हम यहाँ पर क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज सबसे आखिरी में मतलब सबसे लो टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होता है लेकिन वेदरिंग के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये तो थी बातें बोन्स रिएक्शन सीरीज के बारे में। आई होप कि बोन्स रिएक्शन सीरीज अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो आज के लेक्चर में गाइस हम लोगों ने जो जो चीज़ें समझी मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आज आपने इंजीनियरिंग जियोलॉजी में या जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोन्स रिएक्शन सीरीज के ऊपर आधारित था समझा होगा। हम अपने अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।